किसी भी एक पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे सारे डिटेल उसके बारे में खुल के आ जाती है कि इसमें किसका किसका जो है मालिकाना है। और यहाँ नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप जो है किसी भी ज़मीन का या खेत का भू नक्शा यानी उसका जो है रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से या जो है अपने कंप्यूटर से आप देख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र का जो है आप उसका भू मैप निकाल के उस पर देख सकते हैं कि ये खेत किसके नाम से है, इसमें कोई भी जो है लोन या जिस तरह से पूरी डिटेल दोस्तों इस तरह से निकल के आ जाती है। आप सारी जानकारी जो है निकाल के देख सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में, आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है भू नक्शा आप निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में उसको जो है किस तरह से देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ज़मीन का जो है उस खेत का या किसी का ओनर कौन है और उसने किस तरह किसको बेचा है। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें दोस्तों। और साथ ही अगर जानकारी आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। ये दोस्तों जानकारी को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से सारा प्रोसेस होता है। दोस्तों, मैंने इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अगर नहीं आपको डायरेक्ट सर्च करना है तो आप अपने ब्राउजर में जो है भू नक्शा लिख कर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ऊपर ही एक पहला लिंक आ जाता है दोस्तों, आपको उसको उसी को जो है ओपन कर लेना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हिंदी में लिख के आ गया भू नक्शा, आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही आपको जो है इस वेबसाइट का जो है होम पेज आपको शो होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पे खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेट आपका सिलेक्ट हुआ रहता है, उसके बाद में आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका तहसील जो लगता है आपका वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो है दोस्तों आपको अपना जिस भी ग्राम का यहाँ पे जहाँ का रकबे का यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो उस गांव को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे उस ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से जो है मैप उसका पूरा आ जाता है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, इसको यहाँ पे जूम करके भी और मिनिमाइज जो है उसको रिड्यूस करके भी यहाँ पे शो हो जाता है। जूम करना चाहते हैं तो इस पर आप प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाता है। यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं, अगर आपको अपना खेत का खसरा नंबर या खाता संख्या नहीं पता है तो दोस्तों, या किसी भी पर्सन का नहीं पता है तो यहाँ से आप अपना जो है एरिया देख के यहाँ पे पहचान कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका खेत है या किसी भी इंसान का खेत है और उसका जो है खाता नंबर यहाँ पे जो है जो अंक दिए रहते हैं, ये संख्या लिखी रहती है, ये खसरा संख्या होती है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर खसरा या उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो है ये जो भी दिए रहते हैं ये सारे खेत हैं यहाँ पे, इन पे किसी भी एक पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे सारी डिटेल उसके बारे में खुल के आ जाती है कि इसमें किसका किसका जो है मालिकाना है और यहाँ पे किसके नाम से है और कितने खातेदार हैं, इसका खाता संख्या क्या है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, नीचे आपको यहाँ पर विवरण दिया रहता है कि यहाँ पर जो है किसने किसको बेची है, यहाँ पर एक ऑर्डर चढ़े रहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या हुआ है, और बंधक है तो वो भी पता चल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी की ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसकी जानकारी को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी जानकारी दी रहती है दोस्तों। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और सारा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।